दरगाह बाजार में चल रहे सट्टे का वीडियो आया सामने। पुलिस द्वारा लगातार सट्टे पर की जा रही है कार्रवाई। इन दिनों अजमेर में कई जगहों पर सट्टा संचालक सट्टा चला रहे हैं और जगह जगह लोगों का सट्टा देखने के लिए और खेलने के लिए जमावड़ा लग रहा है। परसों विशाम के समय दरगाह थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 लोगों को पकड़ा था और अब दरगाह थाना क्षेत्र का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें लोग खुलेआम सट्टा खेल रहे हैं और चक्के दाने पर बोलियां लगा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस से बेखौफ ये सटोरी किस तरीके से सट्टा खेल रहे हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद जब हमारी मीडिया कर्मियों ने पुलिस कप्तान को राष्ट्रीय से बात की तो उन्होंने बताया कि जैसे सट्टे की सूचना मिल रही है पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। और भाई अच्छा है लेकिन पचास का दो का पचास वाला चार सौ दे दो चार सौ लगातार जो है जुए सट्टे के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद भी कई इलाकों में अभी भी सट्टा संचालित हो रहा है, अलग अलग माध्यम से सट्टा खिलाया जा रहा है। किस तरह की कार्रवाइयाँ और की जाएगी? देखिए, इसमें जब भी हमारे पास कोई सूचना आ रही है, जैसे कल ही दरगाह क्षेत्र में हुई और आपका कहना है कि दरगाह में ही वहीं एक और सट्टा की जानकारी है आपको, तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि जब भी हमें जानकारी मिल रही है कहीं पर भी सट्टा चलने की, जुआ चलने की, उस पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। और मैं सबसे यही कहूँगा कि अगर उनके आसपास कहीं सट्टा चलता है, जुआ चलता है, तो सीधे पुलिस को बताएं। हमारे नंबर हर जगह सभी के पास अवेलेबल है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सट्टा खेलने वाला व्यक्ति जो है वो एक दो दिन में वापस आ जाता है, इसलिए नॉर्मली वो उसी काम को पुनः शुरू कर देता है। हमारे पास नॉलेज में ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं जो बार बार सट्टा करते हैं, बार बार पकड़े जाते हैं, पर वो क्योंकि कोई लंबी अवधि का उनके ऊपर जेल में रहने का कोई प्रावधान उसमें नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति वापस आते ही पुनः इसी धंधे में लग जाता है। तो मैं ये ज़रूर मान सकता हूँ कि ये सट्टा करने वाले बार बार कर रहे हैं, पर हमारी तरफ से लगातार कार्रवाई चल रही है। कार्रवाइयाँ पिछले वर्ष से कहीं ज़्यादा कार्रवाइयाँ इस बार हमने की हैं, पर फिर भी अगर कहीं चल रहा है तो उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। कई बार आरोप भी लगते हैं कि पुलिस तक पैसा पहुँचाया जाता है, इसलिए कार्रवाई नहीं होती। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सीनियर अधिकारी को बताएं अगर आपको ऐसा लगता है। मैं अगर एक देखूं अपने रिकॉर्ड के हिसाब से तो सभी SHO जो है लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी को डाउट है कि कहीं पर पुलिस की मिली भगत है तो मेरे स्तर पर बताएं, डिप्टी SP के लेवल पर बताएं, और मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि हम जब भी नॉलेज में आएगा कहीं पर सट्टा चल रहा है तुरंत कार्रवाई की जाएगी।